नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति की एक झलक में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह से सूरदास ने नेत्रहीन होकर भगवान कृष्ण की सचित्र कल्पना की और इतनी सुंदर कल्पना की कि आज भी भगवान कृष्ण हमारे आसपास ही घूमते हुए नज़र आते हैं, चित्रकार भी अपने मन की लाइनों को कुछ इसी तरह से उकेरता है। वह भी एक मन का नेत्र होता तो वह नेत्रहीन है, लेकिन उसकी जो मन की जो कल्पना है उसके रंगों के माध्यम से उभर कर हमारे सामने आती है और वह बिल्कुल उसी तरह से अपने मन के भावों को प्रकट करता है जिस तरह सूरदास भगवान कृष्ण के लिए प्रकट किया करते थे। तो हम आज खाना मार्ट गैलरी आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकलाएँ हमें दिख रही हैं और इस गैलरी में आप देख पाएंगे कि सबों के मन के उद्गार यहाँ दिखाई देते हैं हमें। और ज़्यादा तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन सब रंगों को देखकर हम हमारे समक्ष इसके जो एक्सपर्टीज़ हैं इसके बारे में कुछ बता सके और थोड़ी सी जानकारी हम उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे। चित्रकारी जो है आपके मन का उद्गार है, आप किस तरह से उसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं हमारे विवेक पर निर्भर करता है। साथ ही उस समय की व्यथा को भी प्रस्तुत करता है कि मनुष्य किस समय उस परिस्थिति को सफ़र कर रहा है या उस समय उसके मन में कौन से उद्गार चल रहे हैं, प्रेम, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, वो तमाम वो अपने रंगों से ही उभारने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में अपने इस कैनवास पे वो अपने मन की भावों को निकाल देता है अपने सामने। और इन्हीं सब कुछ आर्ट गैलरीज में लगे हुए हुनर को हम शब्दबद्ध या लिपिबद्ध करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। हम चाहेंगे कि हमारे सामने रविंद्र कुशवाहा सर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं रविंद्र कुशवाहा सर, और सौभाग्य से उनके साथ साक्षात्कार भी करेंगे। ये मैडम जाहिदा खानम जो खानम आर्ट गैलरी के डायरेक्टर हैं और उनके ये कैनवस आप देख रहे हैं, इसमें दो विधाओं में इन्होंने कार्य किया है, एक तो एक्रेलिक कलर और दूसरा आयल कलर। आयल कलर में इन्होंने नाइफ पेंटिंग की है। अच्छा। और इनके चित्रण विषय वस्तु जो होते हैं प्रकृति से संबंधित ज़्यादा हैं और प्रकृति को उन्होंने पुरुष से जोड़ा है, मानव जाति से जोड़ा है, उनके सुख दुखों से जोड़ा है। मैंने अभी बताया भी लोगों को कि परिस्थिति के अनुसार उनके मन में उस समय मस्तिष्क में कैसी कौन सी भावना उत्पन्न ले रही है उसके हिसाब से ये पेंटिंग करते हैं। तो आप इसमें कुछ बताइए कि देखिए आदमी जो चित्रकार है जी, वो जो मनुष्य की जो जिस समय की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसा देश वातावरण और जो चल रहा होता है वर्तमान समय में उसको चित्रित करता है, चाहे वो समस्याएं हो देश की या देश के विकास का कार्य हो या इस तरह की चीज़ें हमारे चित्रण में आती है। पानी को जिस पात्र में डालिए वो उसी रूप को ले लेता है। हमारे यहाँ कलाकार जो है रंगों को भी उसी रूप में ढालते हैं जिसमें वो ढालना चाहते हैं। हमारे इस एग्जीबिशन में बहुत तरह के कलाकार आए हैं, उनमें से हम रुचिका मैम के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे और उनकी क्या मनोस्थिति है रंगों को लेकर, वो किस तरह से रंगों से खेलती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। मैम गुजरात से हैं, रंगों से खेलना कला मतलब चित्रकारों का पेशा है, पैशन है जी। तो कुछ बताइए आप अपने बारे में, प्लस इस एग्जीबिशन के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं आर्ट से वैसे तो बचपन से जुड़ी हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना जिसमें होता है हमारे में बोलते हैं कि जो कीड़ा होता है, कीड़ा, तो वो कीड़ा कहीं ना कहीं बाहर आ रहा था कि भाई कुछ करो कुछ करो, तो जो आर्ट है वो मुझे खींच रहा था जी। तो पिछले 13 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं छोटे से लेकर बड़े सबको मैं सिखाती हूँ आर्ट, और ड्राइंग, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, पेंटिंग्स, सब चीज़ें सिखाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्ट से जुड़े जी, सीखे, एक पैशन बनाए। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि
जो होता है ना कि विवरिंग चाइल्ड होता है, जो माइंड का डिस्टर्ब होता है, तो अगर आर्ट में वो इन्वॉल्व है ना तो वो एकदम पैशनेट हो जाएगा. और आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको हुनर में डबल मतलब चार चांद लगा देती है. वो पैशंस उसमें आते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करने के बाद जो इंसान जैसा बन जाता है ना, तो आर्ट है ना उस काइंड ऑफ मेडिटेशन. तो उसके करने के बाद जो निखार आता है ना वो आप बयां नहीं कर सकते, इतना अच्छा है. तो इंटरनली भी उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. और आजकल तो सोशल मीडिया इतना हो गया है कि अगर किसी आर्ट में आप बेस्ट हो तो फिर आपको इनकम सोर्स भी अच्छा हो जाता है, आपकी पहचान भी हो जाती है, आपका नाम और पैसे दोनों मिलता है आपको. तो एज ए हॉबी भी अगर आप ले रहे हो और तो भी इसमें से आपको इनकम मिल सकती है, और बाय प्रोफेशनल अगर जा रहे हो तो भी इसमें से बहुत अच्छा काम है. एक आपकी अलग नई पहचान बनती है. तो कुछ भी सीखा वैसे तो नहीं जाएगा. और आर्ट तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बंदा सीखे. ऐसे नहीं होता है कि भाई ड्राइंग बस 9th तक ड्राइंग आ गया फिर नहीं करना, ऐसे नहीं. उसको आप एज ए फील्ड ले सकते हो प्रोफेशनल तरीके से. आर्ट का कीड़ा में लगता है सबके अंदर होता है, बस वो निखारना होता है. प्लस हम उसे कितना पाल रहे हैं उस कीड़े को अपने अंदर. कई बार क्या होता है कि सही गाइडेंस नहीं मिलता है ना, तभी भी होता है कि निकल जाता है. और कई बार ऐसा होता है कि लाइफ इतनी बिजी हो जाती है ना तो भी सब मिस आउट हो जाता है. पर मैं वही बोल रही हूँ जैसे मैंने अभी बच्चों को बताया कि अगर आपको कुछ खींच रहा है तो आप उसकी भले हाफ एन आवर लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो ताकि वो छूटे नहीं. और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो कि भाई यार मेरे से अच्छा नहीं हो रहा है, इसका कितना अच्छा है, उसका कितना अच्छा है. उसका वो है, आपका भी अच्छा है, लेकिन अपने आर्ट को कभी ऐसे नहीं बोलो कि मेरा आर्ट अच्छा नहीं है. अब मैं बोलूँ भाई इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है. मेरी पेंटिंग की मेरी फीलिंग्स हैं. सही बात है. तो मैंने जो है मुझे जो लगा मैंने वो किया है. तो सबका एक अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग पहचान होती है, सबके अलग फीलिंग्स होते हैं, और वही फीलिंग्स को आपको डेवलप करना है. तो बस मेन ये है कि अगर आप इसमें फील्ड में जा रहे हो ना तो कीप प्रैक्टिसिंग, उसको प्रैक्टिस करो. बस प्रैक्टिस ही आपको आगे तक लेकर जाएगी, आपको परफेक्शन देकर जाएगी. और जो जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई 5 मिनट में पोर्ट्रेट बना लिया, 7 मिनट में पोर्ट्रेट लिया, उसके पीछे 8-8, 10-10 हज़ार घंटे की प्रैक्टिस होती है. सही बात. इसी श्रृंखला में हम जो यहाँ की ओनर है ज़ाहिरा मैम, उनसे हम कुछ बात कर लेते हैं. ये मैम हमारा सौभाग्य कि हम लोग एक दूसरे से मिल पाए जी. और हाँ वही बात है कि रंगों से खेलना और रंगों से अपनी मन की फीलिंग्स को शेयर करना कैनवास पे, इसके लिए आप कुछ अच्छी अपनी रंगीन सोच के बारे में बताइए. देखिए मैं तो कलर के साथ वाकई बहुत इन्जॉय करती हूँ, अपनी पेंटिंग्स को बहुत इन्जॉय करती हूँ. और पेंटिंग जब कंप्लीट होती है ना तो बेइंतहा खुशी मुझे होती है. और बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो पेंटिंग हमसे दूर हो, क्योंकि लेकिन पास में भी रखना एक मजबूरी है कि कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है. और हमने तो अपना एक एम रखा है कि हर घर तक एक पेंटिंग पहुँचे, तो इसलिए पेंटिंग को फिर सेल आउट के लिए रखना पड़ता है. अदरवाइज़ कलर्स जो है ना वो हमारे इमोशंस को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं. और मैं बहुत मूड से काम करती हूँ, जब मूड होता है तभी काम करती हूँ. तो अगर सुबह का मूड है तो वो कलर्स चेंज होते हैं, शाम का है तो अलग कलर्स हैं. और उसके साथ साथ जब आपकी अपने मनोभाव भी चेंज हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हैं, तो भी कलर्स आपके चेंज हो जाते हैं. तो जब आपने अगर देखा होगा वराइटीज़ ऑफ पेंटिंग्स एंड कलर्स हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें इतनी खूबसूरती दी है, इतने कलर्स दिए, हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन में से जो भी हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं से टच करता है. और फिर मेरे मतलब हाथों से, दिमाग से, आँखों से वो चीज़ हमारी कैनवस पे आती है. तो जब कैनवस पे आए तो वो मेरी खूबसूरत जो फीलिंग्स हैं वो आए.